पूरे गांव की गाय सूरज की पहली किरण के साथ ही चरने चली गईं और ये अब तक घोड़े बेचकर सो रहे हैं। उठो भी। उठ गया। क्यों सवेरे सवेरे हमारे कानपुर में हड़ताल मचा रही हो? भीमा खटिए से उठकर हाथ मुंह धोकर खूंटे से बंधी गायों को लेकर चराने चल पड़ता है। तभी सरिता कहती है, इस बच्चिया को भी लेते जाओ, इसे भी तो घास चरना सिखाना होगा। भीमा गाय और बच्चिया का खूंटा हाथ में धरे गांव से कोसों दूर आकर उन्हें चरने के लिए छोड़ देता है कि अचानक उसकी सभी गाय जोर शोर से गुहार लगाती हुई पागुर करने लगती हैं। अरे अचानक इन सभी गाय को क्या हो गया? वो सभी गाय एक चुड़ैल को तेजी में अपनी तरफ बढ़ते हुए देख लेती हैं और उसी के साथ वहाँ का मौसम एकदम डरावना और भयानक हो जाता है और आसमान में जोर शोर से बिजली कड़कने लगती है, जिसे देख भीमा कहता है, अचानक प्रकृति का माहौल इतना भयंकर कैसे हो गया? मुझे अपनी गाय को लेकर निकलना होगा अभी। भीमा डंडा उठाकर अपनी गाय को हांकने लगता है। चल चल उर, 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 चल 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 चल। अरे ये पैर क्यों नहीं बढ़ा रही हैं? आखिर इनको ऐसा क्या दिख रहा है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ? अचानक वो चुड़ैल उसकी आंखों के सामने प्रकट होकर कहती है, क्या इन्हें अपनी मौत दिख रही है? आज इन गायों का काल आया है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल है। हरी राम मोती, भागो जल्दी। भीमा कपकपाते हाथ से छड़ी घुमाते हुए अपनी गायों को हांकने लगता है। तभी चुड़ैल उसकी नन्ही बछिया पर बैठ जाती है और वो बछिया शोर मचाते हुए कहती है, आज बचना है मुश्किल तेरा, आज बचना है मुश्किल। अब मैं इस बछिया को मार कर इसके खून में नहाऊंगी। चुड़ैल अपनी काली शक्तियों से एक पैनी दराती प्रकट करके उस बछिया का नाजुक गर्दन धड़ से अलग कर देती है और उसके खून को अपने मुंह पर लगा कर कहती है, आज तो मुझे बड़ा मजा आया। मैं इस गांव और दुनिया से सभी गायों का नामो निशान मिटा दूंगी। भीमा बची हुई गाय को लेकर खेत पार करते हुए भागने लगता है। तभी चुड़ैल उसको आगे से घेर कर कहती है, तुझे भागने की बड़ी जल्दी है। अरे कैसी कसाई चुड़ैल है तू? उस बच्चिया ने चार दिन पहले ही जन्म लिया था और तूने उसे मौत के घाट उतार दिया। ऐसा करते तेरे हाथ नहीं कांपे? चुड़ैल के सीने में ना दिल होता है ना ही जज्बात के लिए जगह, तो हाथ पांव कांपने का सवाल ही नहीं उठता। चुड़ैल अपने खूंखार नाखून भरे पैर से भीमा के सीने पर वार करके उसको दूर फेंक देती है और दोनों गायों को बीच से काट कर कसाईयों की तरह उनकी आंखें नोच कर बाहर निकाल लेती है और उन्हें उछालते हुए कहती है, इन गाय की जान निकाल कर मेरे कलेजे को बड़ी ठंडक पड़ी है। अब मैं इनकी मोटी मोटी अखियों से गोटियां खेलूंगी। चुड़ैल खुशी से नाचती झूमती हुई आसमान की ऊंचाई पर उड़ती हुई गायब हो जाती है। अचानक मौसम भी एकदम साफ और शांत हो जाता है। थोड़ी ही देर में चारों तरफ रात का घना अंधेरा छा जाता है और सरिता दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है, पूरे गांव की गाय आ चुकी है पर इनका अब तक कोई आता पता नहीं। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। सरिता लालटेन लेकर खेतों में उनको ढूंढने निकल पड़ती है। तभी वो चौराहे पर गिर जाती है और उसका हाथ खून से सन जाता है और जैसे ही वो नीचे देखती है उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और जुबान से बड़ी चीख निकलती है, आ! किस जालिम कसाई ने मेरी गाय को इतनी बेरहमी से काट डाला। सरिता! सरिता नजर पीछे घुमाती है तो भीमा बुरी तरह से घायल अवस्था में पड़ा होता है और सरिता कहती है, ये सब कुछ किस जालिम कसाई ने किया? ये सब कुछ एक कसाई चुड़ैल ने किया है। इतना कहकर भीमा दम तोड़ देता है और अगले सुबह ये घटना पूरे गांव वालों को पता चलने पर सभी जन डर कर कहते हैं, गांव वालों हमारी भलाई इसी में है कि अब से कोई भी अपनी गाय को चराने खेत खलियान न लेकर जाए। पर सरपंच जी, हम हमेशा के लिए जानवरों को खूंटे से बांध कर भी तो नहीं रख सकते। हम गरीब वालों का गुजर बसर गौ माता का दूध बेचकर ही तो होता है। अगर तुम्हें अपनी गायों को कसाई चुड़ैल से बचाना है तो यही करना होगा। गांव वाले सरपंच की बात से सहमत होकर गायों के चारों का बंदोबस्त करके उन्हें अस्तबल में खिलाया करते और कुछ दिन माहौल शांत होने के बाद एक रात चुड़ैल गांव में आकर तांडव मचाती हुई कहती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम सभी अपनी गाय को मुझसे बचा लोगे? अब मैं हाहाकार मचा दूंगी,
सभी गाय को काट डालूंगी। कसाई चुड़ैल गाय के अस्तबल में पहुंचकर उसे खूब सताती है और तलवार प्रकट करके उसे बीचों बीच से काट कर कहती है, इस गांव में कोई गाय नहीं बचेगी। चुड़ैल बची हुई बाकी गायों को खूंटे से खोलकर पटरी की ओर ले जाने लगती है और वो गाय गुहार लगाती हुई चीखने चिल्लाने लगती है। अरे ये हमारी गाय इतनी जोर से गुहार क्यों लगा रही है? गांव वाले घरों से बाहर आकर कहते हैं, गांव की सभी गाय लापता है। वो कसाई चुड़ैल सभी की गायों को ले गई है, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी अभी। सभी चुड़ैल का मुकाबला करने के लिए रस्सियों और आग की मशाल लेकर चुड़ैल के कदमों का पीछा करते हुए उसी पटरी पर एक पेड़ के पीछे छुप कर उसे देखते हैं। चुड़ैल के हाथ में एक तलवार होती है और गाय की बछिया पटरी के पिलर से बंधी हुई होती है। वो सभी कहते हैं, हम इस चुड़ैल से और नहीं डर सकते, आज हमको इस कसाई चुड़ैल का मुकाबला करना ही होगा। सभी गांव वाले पटरी पर आकर चुड़ैल को घेर कर कहते हैं, बता कसाई चुड़ैल, क्यों तू गायों को बेरहमी से मार रही है? बताओ वरना तुझे इसी पटरी पर भस्म कर देंगे। गाय की इसी बछिया के कारण मैंने इसी पटरी पर अपनी जान गवाई थी। गाय तो एकदम सीधी होती है, ये बेजुबान तुम्हारी जान कैसे ले सकती है? एक वक्त मैं भी गाय को गौ माता की तरह पूछती थी। गायत्री के पास अनेकों गाय थी जिनसे उसे खूब प्यार था। वो रोजाना उन्हें चराने ले जाया करती थी। गाय धन्नु ने आज एक बछिया को जन्म दिया है जिसे देख वो खुश होकर कहती है, हमारे इस छोटे से झुंड में तुम्हारा स्वागत है, आज से तुम लाली कहलाओगी, मेरी नन्ही सी बछिया। गायत्री की बछिया बड़ी शरारती और मरखा थी। वो कभी खेतों से भाग जाया करती थी तो कभी बेमतलब गायत्री को दुलत्ती मारा करती। आज गायत्री कहती है, पटरी के आसपास बहुत सारे हरी भरी घास उगी है, आज वहाँ चलकर तुम सभी जी भर कर घास चरना। गायत्री अपनी सभी गायों को पटरी के किनारे खूंटे से बांध देती है, लेकिन लाली खूंटा तोड़कर पटरी पर भागने लगती है और गायत्री कहती है, रुक जा लाली, पटरी पर मत जा, वहाँ खतरा है। तभी अचानक पटरी के बीचों बीच तेज रफ्तार से ट्रेन आता देख अपनी बछिया को धक्का दे देती है, पर ट्रेन उसको पीस कर चली जाती है और गायत्री चुड़ैल बनकर गाय के बच्चों को मारना शुरू कर देती है। जिस बछिया से मैंने इतना प्यार किया उसी को बचाने के कारण मेरी जान चली गई। हुआ तो तुम्हारे साथ बहुत गलत था, लेकिन ये बेजुबान जानवर क्या समझते हैं? ये सब सुनकर मैं पिघलने वाली नहीं हूँ, मैं इन सभी गाय को मार डालूंगी। अरे हमारी नहीं तो भगवान से तो डरो, एक गौ माता के अंदर 36 करोड़ देवी देवता का वास होता है। माफ कर दो इन्हें और ये बैर छोड़कर अपनी दुनिया में लौट जाओ। सभी गाय चुड़ैल के आगे आंसू बहाते हुए पागुर करने कहती हैं, जिसे देख वो कसाई चुड़ैल का पत्थर दिल पिघल जाता है और वो उनकी जान बख्श कर सदा के लिए गायब हो जाती है। सामने से एक बहुत ही तेज ट्रेन आ रही थी, तभी रेलवे स्टेशन के एक बेंच पर एक आदमी जिसका नाम अरुण था वो गहरी सांस लेते हुए बैठा हुआ था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है वो ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। ट्रेन के अंदर आकर वो कोने की सीट पकड़ के चुपचाप बैठ जाता है, जिसके बाद ट्रेन चलने लगती है और वो अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकालता है और पीने लगता है। ट्रेन चलते चलते एक जंगल में रुक जाती है, तभी एक औरत घबराते हुए सबसे कहती है, हाय रब्बा, ए ट्रेन नु की हो गया? अरे चलते चलते कैसे रुक गई? सानू तो बहुत बुरा फील हो रहा है जी। अरे टीसी कहाँ है? हाय रब्बा। तभी अरुण उस औरत को घूर घूर कर देखने लगता है, जिसकी वजह से वो औरत चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है, जिसके बाद टीसी लोगों के पास आता है और कहता है, देखिए इंजन में खराबी की वजह से ये ट्रेन फिलहाल के लिए रुक गई है, हमने रेलवे स्टेशन पर फोन कर दिया है, थोड़ी देर में यहाँ पर इंजन ठीक करने के लिए कुछ लोग आ जाएंगे, जिसके बाद ट्रेन चल पड़ेगी, तो कृपया शांति बनाए रखिए और अगर किसी को कोई दिक्कत हो या पानी की जरूरत हो तो पास ही में एक नदी है जहाँ से आप अपने लिए पीने का पानी ला सकते हैं। ये कहकर टीसी वहां से चला जाता है, जिसके बाद ट्रेन के कुछ पैसेंजर ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और यहाँ वहां चलने लगते हैं, जिसमें से एक राघव नाम का लड़का फोन पर बातें करते हुए नदी किनारे पहुंच जाता है। अच्छा तो ये है वो नदी जिसके बारे में टीसी बता रहा था, दिखने में तो बहुत ही साफ लग रही है और लगभग ट्रेन को ठीक होने में भी 1-2 घंटे का समय तो लग ही जाएगा, क्यों ना डुबकी लगा ली जाए। तभी राघव अपने कपड़े निकालकर नदी में डुबकी लगाने लगता है। जैसे वो नदी से बाहर निकलने वाला होता है, अचानक से कोई उसे नदी के अंदर खींचने लगता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाता है,
बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे कौन है यहाँ? अरे कौन है जो मुझे अंदर खींच रहा है? अरे कोई मेरी मदद करो। राघव की आवाज नदी के पानी की वजह से पूरी तरह लोगों तक पहुंच नहीं पाती, जिसके बाद वो नदी में डूब जाता है। तभी एक कमला नाम की औरत उस नदी किनारे अपनी पानी की बोतल में पानी भरने के लिए पहुंच जाती है। अरे प्यास के मारे हलक सूखे जा रहा है, ये ट्रेनवा को भी आज ही खराब होना था क्या? ऊपर से आज का दिन भी बहुत ही पनौती वाला है। जैसे ही कमला अपनी बोतल में पानी भर के वहां से जाने लगती है, तभी एक भयानक भूतिया जल परी नदी से निकलकर कमला के पीछे खड़ी हो जाती है। जैसे ही कमला को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, वो पीछे मुड़कर देखती है। ई का बवाल है रे बाबा, ई जलपरी कहाँ से आ गई? जलपरी जी, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बोतल ही पानी भरी है अभी, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। ये कहकर कमला वहां से जाने लगती है, लेकिन जलपरी अपने दोनों हाथों से कमला की गर्दन पकड़ लेती है और उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग कर देती है, जिसके बाद जलपरी दोबारा से पानी में डूब जाती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर बैठे सभी पैसेंजर ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे थे कि तभी ट्रेन बहुत जोरों से हिलने लगती है। अरे भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है? पहले तो ये ट्रेन चलती चलती इस जंगल में आकर रुक गई और अब अचानक इतनी बुरी तरह हिल रही है। अरे आखिर ये सब हो क्या रहा है? अरे भैया, मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो पता नहीं आगे क्या होगा। तभी अचानक से ट्रेन के सभी खुले दरवाजे कोई बंद कर देता है, जिसकी वजह से ट्रेन के अंदर लोगों की भगदड़ मच जाती है। लेकिन अरुण अपनी सीट पर बहुत ही शांति से बैठा होता है, जैसे मानो उसे किसी भी चीज के होने का एहसास ही न हो। अरे दरवाजा खोलो, ये सब क्या हो रहा है? ये दरवाजे बंद क्यों हो गए? अरे हमें ट्रेन से बाहर निकलना है, कोई तो दरवाजा खोलो। तभी एक भयानक भेड़िया उस दरवाजे के कांच के शीशे को तोड़कर अंदर आ जाता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है। अब तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा, तुम सबके सब मारे जाओगे। आज तुम लोगों की मौत की रात है, जैसे वो रात हमारी आई थी। किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। ट्रेन के आधे लोगों को भयानक भेड़िया मार देता है और बाकी के जो बाहर होते हैं उन्हें नदी की भयानक भूतिया जल परी मार देती है। यहां तक कि ट्रेन का टीसी और ड्राइवर भी नहीं बचता। तभी सारे भूतिया भेड़िए मरे हुए लोगों को लेकर नदी किनारे पहुंच जाते हैं और नदी की जलपरियों को आवाज लगाने लगते हैं। भेड़ियों की आवाज से जलपरियां बाहर निकल कर आती हैं। इन इंसानों को मारकर दिल को बहुत सुकून मिलता है, ऐसा लगता है जैसे आत्मा प्रसन्न हो गई हो। सही कहा तुमने, जब हम किसी से अपना बदला लेते हैं तो दिल को सुकून मिलता है और राहत भी मिलती है। नदी की भूतिया जलपरी और भयानक भूतिया भेड़िए आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी अरुण जो ट्रेन में इतना कुछ होने के बावजूद भी शांत था, वो एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ ये सब देख रहा था। तभी अरुण पेड़ के पीछे से निकलकर नदी की जलपरी और भयानक भेड़ियों के पास जाकर कहता है, कौन हो तुम लोग और ये सब तुम लोग क्यों कर रहे हो? आखिर इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इन सब को मार दिया? तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तू हम लोगों से कैसे बच सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा सामना करने की? तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे पास एक अच्छा मौका था अपनी जान बचाने का, लेकिन अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। भेड़िया और जलपरी दोनों मिलकर अरुण के ऊपर वार करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो आदमी अपनी जेब से एक लॉकेट निकालता है और जलपरी को दिखाता है। ये लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? कौन हो तुम? ये लॉकेट मेरे पिताजी के गले में था, कुछ ही समय पहले उनकी मृत्यु हुई है और ये लॉकेट आपने उन्हें पहनाया था। मैं आप ही का बेटा हूँ, पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने मुझे जाने से पहले आपके बारे में बताया था और यह भी बताया था कि किस तरह इंसानों ने आपको मेरे पिताजी से अलग किया और जान से मार दिया। लेकिन आपका इन जंगली भेड़ियों से क्या ताल्लुक है? अरुण की यह सब बातें सुनकर जलपरी उससे कहती है, वो काली रात, आंधी और तूफान चल रही थी, तुम्हारे पिताजी और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। उस दिन हम इस नदी किनारे बैठे थे, ये भेड़िए तुम्हारे पिताजी के आने से पहले मेरे वफादार जानवर थे जो हमेशा मेरी रक्षा किया करते थे। तुम्हारे पिताजी एक फौजी आदमी थे,
उन्होंने अपने एक दोस्त को मेरे बारे में बताया था, लेकिन उसने तुम्हारे पिताजी से गद्दारी की और अपने डिपार्टमेंट में हमारी सच्चाई सबको बता दी, जिसके बाद उस रात इस जंगल में कई सारे सैनिक आ गए। उन्होंने तुम्हारे पिताजी को मुझसे अलग किया और मुझ पर गोलियां बरसाने लगे। गोलियों की आवाज से ये सभी भेड़िए मुझे बचाने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन उन सैनिकों ने इन पर भी गोली चलाना शुरू कर दी। तब मैंने इनसे कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मेरी चिंता मत करो, अपनी अपनी जान बचाओ और यहाँ से भागो। मेरे सभी पालतू भेड़िए अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। भागते भागते वो जंगल की रेल की पटरी तक पहुंच गए और उसी समय सैनिकों की टुकड़ी ट्रेन में आ रही थी और वो ट्रेन बहुत ही तेजी से पटरी पर चल रही थी और अचानक ही उस ट्रेन ने मेरे सभी भेड़ियों को कुचल दिया। मरने के बाद भेड़ियों ने उस ट्रेन पर कब्जा कर लिया। मैं किसी तरह उन सैनिकों के हाथों से बच गई, लेकिन तुम्हारे पिताजी को लगा कि मैं मर चुकी हूँ। उस दौरान तुम मेरे पेट में थे, तुम्हारे जन्म लेते ही मेरी मृत्यु हो गई और उस दिन तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने की आस में नदी किनारे आए, लेकिन उन्हें तुम मिल गए, जिसके बाद वो तुम्हें अपने साथ ले गए। लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैंने अपने भूत या भेड़ियों के साथ मिलकर यहाँ से गुजरने वाली इंसानों की ट्रेन से बदला लेना शुरू कर दिया। आप लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप लोगों ने इसी दौरान मेरी पत्नी आराधना की भी जान ले ली। कुछ समय पहले जब यहाँ से ट्रेन गुजरी, उसमें मेरी पत्नी आराधना भी थी और इन जंगली भेड़ियों ने उसे मार दिया। तभी से मैं इस जगह के राज को जानने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान पिताजी ने मुझे इतना बड़ा सच बताया। अपने प्यार की निशानी को जीता जागता अपने सामने देख जलपरी अरुण को गले से लगाती है। तभी अरुण अपनी जलपरी माँ से कहता है, माँ मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ और ये खून खराबा हमेशा के लिए बंद कर दो। अपने बेटे की बात मानकर वो जलपरी अपने भूतिया भेड़ियों की आत्माओं को अपने साथ नदी के अंदर ले जाती है, जिसके बाद उस जंगल से जलपरी की आत्मा और ट्रेन से भेड़ियों का साया हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। काले गहरे बादलों में बिजली कड़क रही थी, तभी अचानक से तेज तूफान के साथ साथ बारिश होने लगती है और एक स्कूल के अंदर चारों तरफ अंधेरा होता है, जिसमें दो लड़के बहुत तेजी से कॉरिडोर से भागते हुए स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनकी आंखें डर से बड़ी बड़ी लग रही थीं। कभी यहां देखते तो कभी वहां देखते और फिर किसी चीज से बचकर भागने लगते। हम फंस गए हैं, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, हम बार बार घूम घूम कर एक ही जगह पर आ रहे हैं। अब हम क्या करें, हम जितना भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही यहाँ फंसते जा रहे हैं। तभी मोंटी को स्कूल की कैंटीन दिखाई देती है। वहाँ कैंटीन है, शायद वहाँ माचिस या मोमबत्ती मिल सकती है। अब हमारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मोंटी कुणाल को वहीं रोककर कैंटीन की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ घना अंधेरा होता है और एक टूटी से पानी की बूंदें टपक कर फर्श पर गिर रही होती है। तभी उसे वहाँ रखी हुई एक बाल्टी के काले पानी से अजीब अजीब आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर मोंटी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके चेहरे पर पसीना और आंखों में खौफ साफ पता चल रहा था, मानो जैसे उसकी अंतिम घड़ी चल रही हो। जैसे ही मोंटी बाल्टी के पास पहुंचता है, वो उसके अंदर झांक कर देख रहा होता है। तभी उस पानी की बाल्टी के अंदर से एक खौफनाक हाथ बाहर निकलता है और मोंटी का गला पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, मेरा गला छोड़ दो, कुणाल कुणाल मुझे बचाओ। मोंटी की आवाज सुनकर कुणाल कैंटीन की तरफ भागता हुआ आता है, जिसके आने पर वो हाथ वापस से उस बाल्टी के अंदर चला जाता है। कुणाल मोंटी का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से खींचता हुआ बाहर ले आता है और एक क्लासरूम में ले जाकर क्लास का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वो रोने लगता है। मैंने कहा था ना, हम नहीं बचेंगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें वो किताब नहीं पढ़नी चाहिए थी। मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार दी, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, यहाँ तो कोने कोने में उसी का साया है।
मेरा स्कूल का आखिरी दिन ऐसा होगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी माँ और मेरे पिताजी ने मेरे लिए कितने सपने देखे थे। अफसोस अब मैं किसी के भी सपनों को साकार नहीं कर सकता। तभी अचानक से क्लास की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगती है। चारों तरफ एक बहुत ही भयानक चुड़ैल के हंसने और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अचानक ही कुछ काले साए क्लास के छत के ऊपर चारों तरफ घूमने लगते हैं, जिसके बाद वे दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं और क्लास का दरवाजा खोलने लगते हैं। लेकिन दरवाजा खोलते ही दरवाजे पर एक बहुत ही भयानक काले लिबास में चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखकर वो दोनों थर थर कांपने लगते हैं। उनकी आंखों से डर साफ पता चल रहा होता है। उनके चेहरे पर पूरी तरह 12 बजे थे। तभी चुड़ैल अपने दोनों हाथों से उन दोनों की गर्दन पकड़ती है और उन दोनों को ऊपर उठा लेती है। कहां जा रहे हो? तुम्हारा ही तो इंतजार था। अब इतना इंतजार करवाने के बाद मुझे छोड़कर जा रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम दोनों? क्यों भाग रहे हो मुझसे? दोनों का डर से हलक सूखा था। गला दबने की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। बोलो अब बोलो ना, तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया है। अब मैं आ गई हूँ, तुम मुझसे भाग रहे हो। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आई? ये कहकर चुड़ैल उन दोनों को उठाकर फेंक देती है, जिसके बाद वो दोनों स्कूल के बेंचों पर जाकर गिर जाते हैं और बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और अपनी शक्तियों से उन दोनों के शरीर से उनकी आत्मा निकाल लेती है। जैसे ही किताब का आखिरी पन्ना चारों दोस्त पढ़कर किताब को बंद करते हैं, उनमें से एक चिराग नाम का लड़का कहता है, क्या यार, तुझे हमारे स्कूल के आखिरी दिन पर यही किताब पढ़नी थी? अरे भाई, मुझे क्या पता था कि ये कोई हॉरर स्टोरी की किताब है। बस मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ टॉपिक पढ़ा, स्कूल का आखिरी दिन, जिसे मैं हमारे स्कूल के आखिरी दिन पर पढ़ने के लिए ले आया। अरे क्या हुआ, वैसे भी स्टोरी तो कमाल की थी। क्या मस्त एंडिंग थी, और उस चुड़ैल ने कितनी बुरी तरह बेचारों को मार दिया। अरे यार, तुम लोगों को भूख नहीं लग रही है क्या? मैं तो इस कहानी को पढ़ते पढ़ते बोर हो गया हूँ। अब हम इतनी रात के समय अपने स्कूल में हमारा आखिरी दिन सेलिब्रेट करने आए हैं, तो चलो कुछ मस्ती करते हैं। वो चारों दोस्त उस अंधेरी रात में स्कूल के सभी क्लासों के अंदर जाते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा क्लास के बोर्ड पर लिख देते हैं। अरे राघव, तू तो अपने उस खड़ूस टीचर माधव के लिए कुछ लिख दे, जाने से पहले तेरे दिल को शांति मिल जाएगी। सही कहा तूने, मैं तो सोच रहा हूँ उसके चित्र के साथ उस पर कुछ लिख दूँ, बहुत मजा आएगा। वो चारों जोर जोर से हंसने लगते हैं और अपने स्कूल के आखिरी दिन को एंजॉय करने लगते हैं। तभी अचानक से क्लास की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगती हैं, जिसे देखकर चारों बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन क्लास से भागते भागते उन तीनों में से कायरव जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद कोई अचानक से उसके पैर खींचता है, उसे क्लास के अंदर बंद कर लेता है, जिसके बाद वो बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। वो तीनों दरवाजा पीटते रहते हैं लेकिन कायरव बाहर नहीं आता। कुछ ही देर में कायरव के चिल्लाने की आवाज भी बंद हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा तो उस किताब में था, मुझे तो डर लग रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चल चिराग, चल यहाँ से। जैसे ही राघव और भूपेंद्र चिराग को चलने के लिए बोलते हैं, तभी अचानक से ऊपर से एक काला साया चिराग के ऊपर आता है और वे उसे अपनी आगोश में लेकर कहीं गायब हो जाते हैं। ये देखकर भूपेंद्र और राघव दोनों ही वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते भूपेंद्र राघव से कहता है, यह सब उस किताब को पढ़ने से हुआ है, अब हम भी नहीं बचेंगे। जैसे वो दोनों लड़के मारे गए थे, वैसे हम चारों भी मारे जाएंगे, और हम चारों में से सिर्फ हम दो ही बचे हैं। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ से किसी भी हालत में निकलना है। वो दोनों वहां से भागकर स्कूल की कैंटीन के पास पहुंच जाते हैं। तभी कैंटीन देखकर भूपेंद्र को कुछ याद आता है। उस किताब में एक लड़का माचिस या मोमबत्ती ढूंढ रहा था, शायद वो कुछ जलाना चाहता था। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लड़का उस किताब को जलाने के लिए माचिस और मोमबत्ती ढूंढ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने भी तो किताब पढ़ी थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, शायद उस किताब को जलाने से हमें इन सब से मुक्ति मिल सकती है। चलो कैंटीन में चलकर माचिस या मोमबत्ती ढूंढते हैं।
वो दोनों कैंटीन के अंदर जाते हैं और माचिस या मोमबत्ती ढूंढने लगते हैं। काफी देर के बाद एक कैश काउंटर के ड्रॉर में राघव को माचिस मिल जाती है। मुझे मुझे माचिस मिल गई भूपेंद्र, मुझे माचिस मिल गई, चलो अब किताब ढूंढते हैं। जैसे ही राघव माचिस लेकर भूपेंद्र के पास पहुंचता है, उसे भूपेंद्र की आंखें खून की तरह लाल दिखने लगती हैं, जिसे देखकर राघव को यह समझने में देर नहीं लगती कि उसे भी काले साई ने अपने वश में कर लिया है। राघव माचिस लेकर वहां से भागने लगता है और किताब ढूंढने लगता है, जिसके बाद वो उस क्लास में पहुंच ही जाता है जहां वो किताब पड़ी थी। वो उस किताब के पास जाता है और उस किताब को खोलकर उस किताब को जलाने के लिए माचिस जलाता है, लेकिन तभी एक चुड़ैल काले कपड़ों में उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर राघव हिम्मत करते हुए कहता है, मैं अपने स्कूल के आखिरी दिन पर मरना नहीं चाहता। ये कहते ही राघव जलती हुई माचिस को किताब के ऊपर डाल देता है, जिसके बाद किताब पूरी तरह जलने लगती है। किताब के जलते ही उसके साथ साथ क्लास की छत पर कई सारे काले साई जलकर राख हो जाते हैं और वो चुड़ैल भी उस किताब के साथ जलकर राख हो जाती है, जिसके बाद राघव एक अकेला अपने दोस्तों में बचकर उस स्कूल से बाहर निकलता है और आगे की पढ़ाई करके अपनी जिंदगी में कामयाब होता है। लेकिन वो बेचारा इस हादसे को अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाता, जिस हादसे में उसने अपने दोस्तों को खो दिया।